तो दोस्तों आइए आज बात करते हैं कि अगर आपको एक कराओके सेटअप बनाना है सस्ता और सुंदर, तो वो हम कैसे बना सकते हैं अपने घर पे छोटे मोटे सामानों की मदद से, वो मैं आज आपको बताता हूँ। तो इसके लिए हमें दो तीन चीज़ें चाहिए। एक तो आपको एक स्पीकर चाहिए जो आपके साउंड को प्रोड्यूस करेगा जब आप कराओके में सिंग करेंगे। दूसरा आपको चाहिए एक इस तरह की, ये एक स्प्लिटर केबल होती है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसके एक तरफ आप देख सकते हैं, तो इस तरह की आपको एक स्प्लिटर केबल चाहिए। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसका एक हिस्सा ये दोस्तों 3.5 mm का एक पॉइंट है इसमें, जो कि आपके मोबाइल में लगेगा। और इसके अगर दूसरे हिस्सों को देखें तो एक हिस्सा इसमें माइक के लिए है और एक हिस्सा इसका हेडफोन या स्पीकर के लिए है। तो ये वाई केबल या स्पीकर केबल कहलाती है, ये आपको मिल जाएगी। इसका लिंक मैं अभी नीचे दे दूंगा वीडियो में, आप वहाँ से अमेज़न से इसको ऑर्डर कर सकते हैं और ये करीब 400 के आसपास मिल जाती है। तो चलिए इसको यहाँ रख देते हैं। और जो हमें एक तीसरा जो इक्विपमेंट चाहिए दोस्तों, वो एक माइक चाहिए। तो अगर आप कराओके का थोड़ा सा अच्छे से मजा लेना चाहते हैं तो एक अच्छा माइक ले लीजिए। ये माइक एक डायनेमिक माइक है, ये आप देख सकते हैं, ये फिलिप्स का है। और इसमें अगर आपके पास XLR केबल नहीं है तो ये भी आपको अमेज़न से मंगवानी पड़ सकती है। XLR केबल, इसमें खास बात ये है कि ये एक तरफ तो इसका इंटरफेस ये XLR वाला है और जो इसका दूसरा इंटरफेस है वो स्पेसिफिकली बनाया गया है। ये अगेन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 3.5 mm का इसमें भी जैक लगा हुआ है और ये आपके मोबाइल में डायरेक्टली लग सकता है। लेकिन हम इसको यहाँ पे कैसे कनेक्ट करेंगे अभी बताते हैं आपको। तो ये जो केबल है ये नॉर्मली आपके माइक में, अगर आपके पास माइक होगा अभी, तो इस तरह की केबल आपके पास नहीं होगी जिसमें एक तरफ XLR हो एक तरफ ये 3.5 mm जैक हो। तो इसके लिए ये भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं अमेज़न से, ये लिंक मैं नीचे दे दूँगा। तो ये ही आपको सामान चाहिए और आपके पास ये डायनेमिक माइक कोई होना चाहिए जिसमें पीछे XLR इंटरफेस होता है। तो ये अभी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे कनेक्ट करेंगे एक कराओके सिस्टम को बनाने के लिए। और तीसरा जो, तो ये दो सामान हमारे हो गए। और जो सामान है वो कुछ नहीं, आपका अपना मोबाइल, कोई भी मोबाइल जो कि एंड्रॉयड ऐप जिसमें आप डाल सकते हैं वो आप ले लीजिए। और इसको हम यूज़ करेंगे एक कराओके सिस्टम लाइव बनाने के लिए, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे होगा। तो आइए अब इन तीनों चीज़ों को हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो कनेक्शन के लिए कुछ नहीं करना है, ये जो हमारी XLR केबल, ये सॉरी जो स्प्लिटर केबल थी, इसको हम, इसका जो ये पॉइंट है जो एक सिंगल एंड है जिसमें एक 3.5 mm का जैक है, इसको हम अपने मोबाइल के जो ऑडियो पॉइंट है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे प्लग कर देंगे। ये लगा दिया मैंने, तो ये इससे कनेक्ट हो गया और इससे जो मोबाइल का आउटपुट आएगा साउंड का वो अब इसमें जा रहा है, या फिर मोबाइल से अगर कुछ माइक भी कनेक्ट होता है तो वो इसके थ्रू होगा। अब इसके जो बाकी दोनों हिस्से हैं इनको ध्यान से देखते हैं। इसमें जो एक हिस्सा ये अगर आप देखिए, इसमें ये ऑडियो हेडफोन के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं अपने स्पीकर को, जो ये मेरा स्पीकर है पीछे जो रखा हुआ है, इसका हर एक स्पीकर में इस तरह का एक पॉइंट होता है जिससे आप अपने स्पीकर को इनपुट दे सकते हैं। तो इसको मैं इनपुट यहाँ से दे दूँगा, इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। तो अब जो आउटपुट मेरे मोबाइल से आएगा वो मेरे स्पीकर में इस तरह से जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अब आप देखिए मेरा मोबाइल और मेरा स्पीकर कनेक्ट हो गया है। अब बारी है अपने माइक को अपने मोबाइल से और स्पीकर से कनेक्ट करने के लिए। तो हमारा जो XLR इंटरफेस है, XLR जो केबल है, इसका ये वाला इंटरफेस हम अपने माइक में ऐड कर देंगे इस तरह से। ये अच्छे से लॉक हो जाता है और जो दूसरा हिस्सा है ये वाला, इसको हमें कनेक्ट करना है अपने मोबाइल फ़ोन में।
तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में एंड्रॉयड फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी स्टार मेकर ऐप की। ये मैंने डाउनलोड कर रखी है पहले से, तो इसको जैसे ही मैं ये क्लिक करूँगा एक स्टार मेकर ऐप खुल जाती है। अब ये स्टार मेकर ऐप मैंने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसको मैं अब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसमें सिंक का ऑप्शन आएगा, इसको मैं क्लिक करूँगा। ये रहा सिंक का ऑप्शन। और अब मैं कोई भी गाना जो गाना चाहता हूँ वो यहाँ पे सर्च करूँगा और गा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं डालूँगा सपोज़ पल पल दिल के पास, तो ये गाना मैंने सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे मैं अब इसको सिंग करने के लिए, ये बहुत सारे गाने आ गए हैं, पहला गाना जो दिख रहा है मैं वही यूज़ कर लेता हूँ। तो ये गाना जब दिख रहा है मुझे तो यहाँ पे मैं सिंग का ऑप्शन ये प्रेस करूँगा और ये गाना स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें दोनों ऑप्शन आते हैं, सोलो और डुएट। तो हमें जो सोलो गाना है तो मैं सोलो पे ही रहने दूँगा और इसको स्टार्ट दबा दूँगा। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें कराओके का अगर मज़ा लेना है, इसका मतलब कि जब हम गाएं तो हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ भी हमें सुनाई दे, या तो हेडफोन से या स्पीकर। यहाँ पे चूंकि हमने स्पीकर कनेक्ट किया है तो स्पीकर सुनाई देगी, तो उसके लिए आपको ये स्पीकर या हेडफोन फीडबैक वाला ये बटन, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, ये देखिए। इसको सिलेक्ट करने से ये वॉइस बैक टू हेडफोन आएगी, यानी जब आप गाएंगे तो वो जो भी आप गाएंगे और जो म्यूज़िक होगा वो दोनों एक साथ आपके स्पीकर पे या हेडफोन पे सुनाई देगा, जो भी आपने कनेक्ट किया है। तो ये सेटअप करने के बाद अब हम गाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम गाना स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरा एक पोर्ट जो बचा था माइक से कनेक्ट करने का, ये मैं और कनेक्ट कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि मेरी आवाज़ स्पीकर से भी आ रही है, ये देखिए, ये देखिए स्पीकर से आवाज़ आ रही है। और अब मैं आपको इसमें गा के दिखाता हूँ। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल हो। तो दोस्तों इस तरह से आप कराओके पे गाना गा सकते हैं, कोई भी गाना। तो कराओके के गानों के लिए मैंने स्टार मेकर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, जहाँ पे सारे कराओके के सॉन्ग्स आपको मिल जाएंगे। आप अपने घर में छोटी मोटी पार्टीज़ में इसका आनंद ले सकते हैं, या फिर आप अपने गाने इस तरह से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अब इसमें जब गाना आप गा लेंगे तो फिनिश का ऑप्शन आएगा, उसको आप अपने गाने को सेव कर लीजिए। वो आपके मोबाइल में भी रह सकता है और अगर आप उसको पोस्ट करेंगे तो स्टार मेकर के सर्वर में वो सेव हो जाता है। और वहाँ से फिर आपके पास ऑप्शन होता है अपने गाने को डाउनलोड करने का। उसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे वहाँ से डाउनलोड करेंगे। उसके लिए कुछ अलग से ऐप्स आते हैं जिनसे आप उस गाने को डाउनलोड कर सकते हैं, और उस गाने को आप एज ए MP3 भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, अपने जानकार और दोस्तों में इनको शेयर भी कर सकते हैं उस गाने को। तो इस तरह से आपके अगर गायकी में शौक़ है, आप कराओके का मज़ा लेना चाहते हैं, तो एक छोटा सा सेटअप है। अब इसमें जो सामान जो लगे हैं बहुत महंगे भी नहीं है। ये जो स्पीकर केबल है ये करीब 400 की मिल जाती है। ये जो XLR से 3.5 mm वाली जो केबल है ये भी आपको करीब 400 से 500 तक में मिल जाएगी। और ये माइक जो है करीब 700-800 का आता है। इन सब का लिंक मैं दे दूंगा आपको, आप वहाँ से जाकर इन सबको खरीद सकते हैं। ये माइक आपका डिफरेंट तरीके का भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा अगर कराओके का आपको अच्छे से आनंद लेना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह का कोई डायनेमिक माइक लें या एक अच्छा माइक लें ताकि आपको अच्छा लगे। और जो स्पीकर है वो हर घर में होता ही है,
तो उसको कोई भी आप स्पीकर अपना उसको यूज़ कर सकते हैं जिसमें सफिशियंट वॉल्यूम हो, आवाज़ अच्छी निकलती हो। तो इस तरह से आप कुछ चीज़ें जो आपके पास पहले से हैं और कुछ एक दो चीज़ें नई खरीद करके आप अपना कराओके का सेटअप बना सकते हैं और इस पूरे सेटअप का मज़ा ले सकते हैं कभी भी कहीं पे भी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और इसको अपने और दोस्तों और जानकारों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर व्यूइंग।